चुनाव जिताकर दिखाइए, नाना पटोले का आह्वान। उत्पादक किसानों को 25,000 प्रति हेक्टर मांग करते पर्व सांसद नाना पटोले ने भाजपा को चैलेंज करते हुए कहा कि भाजपा में यदि हिम्मत है तो बैलेट पेपर पर चुनाव जिताकर दिखाइए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने के बाद नाना पटोले ने भंडारा और गोंदिया जिला का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। लाखांदूर में आयोजित सभा ने पूर्व सांसद नाना पटोले को आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सजग रहते हुए आदमी के लिए कार्य करते रहने की सूचना की। चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने के पहली बार लाखांदूर में आने से नाना पटोले के और डॉक्टर अजय तुमसरे का शाल श्रीफल देकर तालुका कांग्रेस की ओर से सत्कार किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सागर गणवीर, जिला परिषद सदस्य मनोहर राउत, भूपेश्वर महावाड़े, डॉक्टर सुरेश ब्रह्मणकर के साथ तहसील कांग्रेस के सभी फ्रंट के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आइए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून आपली मागणी पण त्याच्यामध्ये आहे। उद्या आपण सगळ्या जणांनी तालुका काँग्रेस कमिटी जे आहे, सगळे आपले फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आणि सेलच्या माध्यमातून सगळ्या प्रमुखांनी उद्या तहसीलदारला निवेदन दिलं पाहिजे की भंडारा जिल्हा दुष्काळ घोषित केला पाहिजे आणि 25,000 रुपये एकरी आमच्या शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे। आणि जे घोषणा 3 वर्षाच्या पहिले देवेंद्र फडणवीसने कर्जमाफीची केली होती, या योजनेला अंमलबजावणी तातडीनं करून सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं पाहिजे आणि विद्युत पुरवठा शेतकऱ्यांना 24 तास दिला पाहिजे, अशा या पद्धतीची मागणीचं निवेदन तहसीलदारांना उद्या आपण दिलं पाहिजे, अशा पद्धतीची भूमिका झाली पाहिजे। कारण की आज आपण पाहतोय की आपलं सगळ्यांचं लक्ष मुद्दामून दिशाभूल करण्याचं काम, मुद्द्यामून लोकांचं मूळ मुद्द्याकडून लक्ष दुसरीकडे टाकण्याच्या दृष्टिकोनातून पेपरमध्ये बातम्या टाकतील, टी व्हीमध्ये बातम्या टाकतील की काँग्रेसचा हा पदाधिकारी भाजपमध्ये चालला, अमुक तिकडे चालला, अमुक तिकडे चालला, रोज बातम्या तिकडे आहेत। त्याच्या पलीकडे थांबत नाही तर राज्यसभेमध्ये सांगतात की अंडा हा जो आहे तो आता व्हेज झालेला आहे, आता नॉनव्हेज राहिलेला नाही। आता त्याच्यावर सोशल मीडियावर चर्चा, त्याच्यावर टी व्हीवर चर्चा, पेपरमध्ये चर्चा आपल्याला पाहायला मिळतं। पण आज जे काही आश्वासन देऊन हे लोक जे सत्तेत आले त्या सत्तेच्या ज्या मुद्द्यांना जे मुद्दे देऊन गेले होते त्या मुद्द्याला बाजूला ठेवून लोकांना या पद्धतीचं डायव्हर्शन म्हणजे दिशाभूल करण्याचं पाप हे लोक करत असताना आपली भूमिका त्याच्यातली स्पष्ट आहे। आणि मी काल पण बोलतो की आपली भूमिका अशी आहे की तुम्ही आज याला नेता त्याला नेता काय होतं, आणि मी तुम्हाला सांगतो गोपाल अग्रवाल बीजेपीमध्ये जाणार याच्या पेपरला बातम्या आहेत। मी काल त्या गोंदिया जिल्ह्यात होतो, मी काल पण सगळ्यांसमोर सांगितलं की गोपाल अग्रवाल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाणार नाही, त्यांनी पण त्या पद्धतीत जाहीर केलं। मी नागपूरमध्ये असून तिथं विकास ठाकरे आमचे शहर अध्यक्ष आहेत, त्या त्या पेपरला बातम्या येतात आणि सगळ्यांचं आपल्या काँग्रेसजनांचं लक्ष तिकडे जाऊन राहिला का घरा होऊन राहिला का त्याच्यावरच चर्चा असते। आणि म्हणून हे मुद्दामून दिशाभूल करण्यासाठी आणि लोकांच्या प्रश्नासाठी दुर्लक्ष करण्याचं हे पाप करतात। आणि म्हणून मी काल सांगितलं आणि ते सत्य पण आहे की भाजपचे अनेक मंत्री अनेक आमदार
अनेक त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते माझ्या संपर्कात आहेत. जशी आचारसंहिता लागली तसे अनेक लोक काँग्रेसमध्ये येतील याच्यामध्ये शंका नाही. पण आज आपण ते अन्न ते नेण्यापेक्षा लोकांचे प्रश्न. अकाल की स्थिती आहे, बारिश बिलकुल नाही आहे, ऐसे में किसान को कोई मतलब यहाँ पे हेल्प नहीं हो रही है. ना गोचर गुर्द का पानी मिल रहा है, कैनल चालू करते बंद कर देते हैं, किसानों के अभी तो कोई धान की रोपाई नहीं हुई है. सरकार बिल्कुल किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसके बारे में क्या? फडणवीस सरकार ये पूरी किसान विरोधी है और उनकी 5 साल का अगर कारकिर्दी आपने देखे हो तो अभी वो 2 महीने पहले उन्होंने एक कृषि मंत्री बनाया है. अभी तक अगर ये मंत्री को अगर छोड़ के ये बाकी के समय में राज्य का कृषि मंत्री कौन था अगर किसी को पूछे तो कोई उसका नाम नहीं बताएंगे. 1 महीने के लिए एक मंत्री अभी बना है. मूल सब्जेक्ट है कि आज आप देखते हो कि किसान पूरा तकलीफ में है पर राज्य की सरकार पॉलिटिकल दावे करने में ही अपनी लगी है कि पुनः हम सत्ता में आएंगे, लेकिन जो तकलीफ में आए हुए लोगों को मदद करने का काम सरकार ने करना चाहिए वो नहीं कर रही है. ये लोग सरकार महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ये पूरी किसान विरोधी है और हमारी मांग है कि 25,000 रुपये पर एकड़ दुष्काल जारी कर किसान को मदद करने का काम करना चाहिए और दुष्काल की पूरी जो व्यवस्था है बच्चों की फीस माफ़ करना, सुविधाएं उपलब्ध करना, रोजगार उपलब्ध करा देना, अनाज के दुकान में धान्य वितरित करना, ये सब सुविधा दुष्काल की तुरंत राज्य सरकार शुरू करे ये मांग हमारी है. जो 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किसान की कर्ज माफ़ी की ऋण माफ़ी की जो बात की थी वो आज तक भी नहीं हुई. 100% पूरे किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करना चाहिए ये भी मांग इस माध्यम से हमारी है और सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेंगी तो हम एक बड़ा आंदोलन किसान और गरीबों का खड़ा करेंगे. दूसरा एक सवाल छोटा सा कि अभी आप चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष बने और जैसे भी आप अध्यक्ष बने बीजेपी की तरफ से एक चैलेंज आ गया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कम से कम 50 तो भी सीट मतलब जिता कर लाए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमने मुंबई में भी यही कहा कि अगर दम है तो बैलेट पे वोटिंग करके दिखा. फडणवीस को हमने चैलेंज किया अगर पायलट पर अगर वोटिंग होता है तो उसको उनकी खुद की जमानत बचाने का भी उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से 5 साल की सत्ता में देवेंद्र फडणवीस ने जो स्वर का देवेंद्र था, जो इंद्रदेव था, वो अय्यास था, ऐसा बोलते थे उस समय में. मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये देवेंद्र अय्यास है ऐसा मेरा कहना नहीं है, मैं इसलिए क्लियरेंस करता हूँ. लेकिन इनने जो सत्ता का दुरुपयोग अपने ऐशो आराम के लिए किया ये हम सिद्ध कर सकते हैं और उसी के माध्यम से आज जिस तरह से आज राज्य की जो परिस्थितियां पैदा हुई है किसी को भी न्याय नहीं दिया. ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटी विजन टी के सब अधिकार आरक्षण के अधिकार सब इन लोगों ने निकाला, किसान को बर्बाद किया, गरीबों को बर्बाद किया, तो इनको वोट कौन देगा? और एक ही है उनके पास मशीन है जो लोकसभा में, मैं नहीं कहता, इनके अलायंस पार्टी के जो सांसद है संजय राउत उन्हें राज्यसभा में खुद कहा कि मशीन के गड़बड़ है और मशीन के वजह से सब प्रॉब्लम हो रहे, तो हम नहीं कह रहे. और 9 अगस्त को हम एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने वाले हैं वोटिंग मशीन के विरोध में. 9 अगस्त को अपने भारत का तिरंगा लेकर, अपने देश का तिरंगा लेकर, जैसे उस समय में महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों को चले जाओ, और वो दिन को हम लोग आज वो दिन को जो मनाते हैं उसी दिन को पकड़कर हम लोग वोटिंग मशीन हटाओ और देश बचाओ का नारा लगाने वाले हैं. और वोटिंग मशीन में भी अगर वोटिंग होती है तो भी जो पाप उन लोगों ने लोकसभा में किया था वो चोरी हम पकड़ेंगे. और लोगों का विश्वास वोट जो होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार जनता का वो होता है, वो लोगों का वो अधिकार दिला के रहेंगे, ये हमारी भूमिका है. और इसलिए महाराष्ट्र में खुद के भरोसे कांग्रेस सत्ता पे आएगी, मैं इसका विश्वास देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये थे नाना पटोले जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद में पहली बार लाखांदूर में उनका दौरा हुआ. पूरे भंडारा गोंदिया जिले में कल से
उनका दौरा चालू है और आज अंतिम दिनों में लाखांतर में उनका दौरा होने के बाद में हमने उनके कुछ सवाल पूछे किसानों के बारे में। भंडारा में जो हालत हो रही है बारिश की वजह से किसानों के धान की रुपाई नहीं हो रही, इसके बारे में हमने सवाल पूछा तो नाना पटोले ने कहा कि किसानों को भंडारा गोंदिया जिले के किसानों के नहीं पूरे धान उत्पादक किसानों को 25,000 रुपये हेक्टेयर की मांग उन्होंने की है। और दूसरा सवाल हमने जब उनको बीजेपी की तरफ से जो 50 से भी ज़्यादा मतलब उम्मीदवार जिताकर लाए, ये चैलेंज जो उन्होंने किया था उसके बारे में सवाल करने से नाना पटोले ने सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर यदि दम है तो बैलेट पेपर के इससे चुनाव जिता कर दिखाए तो समझेंगे। ईवीएम मशीन के भरोसे पर जो उन्होंने आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उनके अंदर दम है तो बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव जिता कर देखें, ये कहा नाना पटोले जो चुनाव समिति के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद। इन्होंने खुला खुला चैलेंज कर दिया। मैं बार बार ये दोहराना चाहूँगा कि अगर बीजेपी में दम है तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव जिता कर देखे, ये कहा नाना पटोले ने। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। MNS न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।